नमस्कार, मैं श्वेता गजरे सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी राता वापी से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2 बूढ़ी काकी पार्ट 1 पढ़ेंगे। बूढ़ी काकी जो है वो कृति है, मतलब लेसन का नाम। बूढ़ी काकी के जो कर्ता हैं, कर्ता मतलब जो लेखक हैं, उनका नाम है प्रेमचंद। बूढ़ी काकी का साहित्य प्रकार है कहानी, मतलब कि ये जो लेसन है, ये जो बूढ़ी काकी है, वो बूढ़ी काकी किस प्रकार का साहित्य प्रकार है, तो वो कहानी है। आगे लेखक परिचय में देखते हैं तो प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में और निधन सन 1936 में हुआ था। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद का मूल नाम है धनपत राय शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे, बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े कि वो नौकरी छोड़ने के बाद खुद स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़ गए। आगे वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व हैं। अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद भी किए हैं, निबंध लिखे हैं तथा बालोपयोगी साहित्य की रचना भी की है। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान और मंगलसूत्र उनके उपन्यास हैं। ये जितने भी नाम बताए हैं वो प्रेमचंद के उपन्यास हैं। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियाँ संग्रहित हैं। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक हैं। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन हैं। तो बच्चों, ये हमने प्रेमचंद का परिचय देखा। अब हम आगे पाठ परिचय देखते हैं। बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है कि ये जो बूढ़ी काकी कहानी है उसमें प्रेमचंद ने दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। तो यह मूल कहानी जो है उसका ये संक्षिप्त रूप है कि बूढ़ी काकी जो कहानी है उसके मूल कहानी से ये कहानी संक्षिप्त रूप में ली गई है। अब हम ये लेसन
देखते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। पुनरागमन मतलब वापस आना। पुनरागमन का अर्थ है वापस आना, कि बुढ़ापा जो है वो बचपन का पुनरागमन है। मतलब बूढ़े व्यक्ति जो हैं वो उनका बुढ़ापे में बचपन वापस आ जाता है, कि उनका जो व्यवहार है वो छोटे बच्चों की तरह हो जाता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का कि रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा है। कि जो बूढ़ी काकी है वो बूढ़ी काकी के पास उनके जीभ के स्वाद के सिवा कोई चेष्टा बाकी नहीं थी। शेष मतलब बाकी, कि उनके पास जीभ के स्वाद के सिवा दूसरा कुछ बचा नहीं था और वो अपने कष्टों की ओर अपने दुख की ओर आकर्षित करने के लिए उसके पास एक ही सहारा था कि रोना। समस्त इंद्रियां हाथ पैर जवाब दे चुके थे, कि बुढ़ापे में जैसे बूढ़े व्यक्तियों का जो शरीर है वो कमज़ोर हो जाता है, उसी प्रकार बूढ़ी काकी का शरीर भी कमज़ोर हो चुका था। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते या भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा तो बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिलती तो वे रोने लगती थी। कि बूढ़ी काकी का जो व्यवहार हुए वो एकदम से छोटे बच्चे की तरह हैं, कि बूढ़ी काकी जो हैं वो उनके घर वाले उनके विरुद्ध कोई कार्य करते, उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ काम होता या फिर भोजन का समय निकल जाता या फिर उसकी भोजन की मात्रा जो है वो उन्हें कम दी जाती अथवा तो कोई बाजार से कुछ चीज़ लाए और वो बूढ़ी काकी को न दे तो वे रोने लगती थी। जैसे छोटे बच्चे रोते थे उसी प्रकार बूढ़ी काकी भी रोने लगती थी। आगे कि उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, कि बूढ़ी काकी जो रोती थी वो एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं रोती थी, तो वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। यहाँ पर बच्चों प्रश्न पूछा जा सकता है कि बूढ़ी काकी कैसे रोती थी, तो उसका जवाब क्या आ सकता है कि बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। आगे उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था, कि बूढ़ी काकी के पति जो हैं उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। बेटे तरुण होकर चल बसे थे, उनके बेटे भी तरुण होकर युवान होकर मर चुके थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। बूढ़ी काकी के पास उसका एकमात्र सहारा था भतीजा। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी, कि बूढ़ी काकी के पास जो भी संपत्ति थी वो संपत्ति उनके भतीजे के नाम कर दी थी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए। बुद्धिराम ने जब बूढ़ी काकी के पास उनकी संपत्ति लेते समय बूढ़ी काकी को खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, कि मैं आपको ऐसे रखूंगा, कि मैं आपको अच्छी तरह से खाना खिलाऊंगा, कि आपकी अच्छी से सेवा करूंगा, ऐसे बहुत सारे लंबे चौड़े वादे किए। किंतु वे सब वादे केवल कूली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे।
कि ये सारी वादे जो थे वो सिर्फ केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब जबाग मतलब झूठे सपने थे, कि उन्होंने जितने भी वादे किए वो सिर्फ एक दिखावा था, कि ये सब जबाग झूठे सपने सिर्फ बूढ़ी काकी को उन्होंने दिखाए थे, बाकी उनके कहे अनुसार कुछ भी हुआ नहीं। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, कि जो बूढ़ी काकी ने भतीजे को संपत्ति दी थी उससे उस भतीजे को वार्षिक आय जो मिलती थी, वार्षिक रकम जो मिलती थी वो कम न थी, तथापि फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था, कि फिर उसके वार्षिक आय कम न होने के बाद भी बूढ़ी काकी को उसे पेट भर भोजन भी नहीं प्राप्त होता था, बहुत मुश्किल से उसे खाना मिलता था। आगे, लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, कि बच्चों को बूढ़ों से क्या होता है, विद्वेष होता है, मतलब लड़कों को बच्चों को बूढ़े व्यक्ति पसंद नहीं होते, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते थे, कि घर के जो बच्चे थे वो उनके माता पिता का जो बूढ़ी काकी के साथ व्यवहार था उस व्यवहार को देखकर बूढ़ी काकी को बच्चे भी सताते थे। कोई चुटकी काटकर भागता था तो कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता था, कि जो घर के बच्चे थे वो बूढ़ी काकी को परेशान करते थे। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए ही रोती है, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था, कि घर के व्यक्ति को पता था कि बूढ़ी काकी जब रोती है तो उन्हें भूख लगी होती है तभी वो रोती थी, या खाना चाहिए होता है तभी उन्हें रोना आता था, लेकिन कोई वो नहीं देखता था कि बच्चे उन्हें परेशान कर रहे हैं, इसीलिए वो चीख मारकर रो रही है। सब लोगों को उनके रोने पर यही बात प्रसिद्ध हो गई थी कि वे केवल खाने के लिए ही रोती थी, लेकिन उनके संताप और आर्तनाद मतलब उनके दुख पर, दुखी चीख पर कोई ध्यान नहीं देता था। आगे, संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। यहाँ पर बूढ़ी काकी के जो भतीजे है उसका नाम है बुद्धिराम। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम क्या था, तो बुद्धिराम, और बुद्धिराम की छोटी लड़की है लाडली, जो काकी के साथ उसका ज़्यादा लगाव था। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की जो मिठाई है या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। जो लाडली थी वो उनके दोनों भाइयों से डरती थी, इसीलिए उनके लाडली के हिस्से का जो भी खाना था वो सब खाना काकी के पास बैठकर खाती थी। यही उसका रक्षागार था, कि काकी के पास बैठकर खाने पर उन्हें वो सुरक्षित स्थान मानती थी। रक्षागार मतलब सुरक्षित स्थान। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, कि उनकी यद्यपि काकी की शरण की
शरण उनकी लोलुपता मतलब लोभ के कारण महंगी पड़ती थी। तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी कि भाई के अन्याय से तो उनका जो लोभ था वो अधिक अच्छा था। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। आगे रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर सहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था कि रात हो चुकी है और बुद्धिराम के द्वार पर उनके घर के आंगन में सहनाइयाँ बज रही हैं और गांव के जो बच्चे हैं वो झुंड बनाकर विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने को सुन रहे हैं। आगे आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है कि बुद्धिराम के बड़े लड़के का नाम है मुखराम और उनके घर पर क्या है, मुखराम का तिलक है। तिलक मतलब सगाई। यह उसी का उत्सव है कि बुद्धिराम के घर ये तिलक मतलब सगाई का उत्सव मनाया जा रहा है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। जो रूपा है वो बुद्धिराम की पत्नी है, तो रूपा जो है वो मेहमानों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रही थी। भट्टियों पर कड़ा चढ़े थे, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी और एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। पूरे घर के बाहर पूरे घर में जो घी और मसाले की सुगंध है वो चारों ओर फैल रही थी और मसालेदार सब्जियां पक रही थी, पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी। आगे बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। बूढ़ी काकी जो है वो उनकी एक अलग से कोठरी है, वहाँ पर बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी कि घर में जो ये खाने की सुगंध आ रही थी वो सुगंध उन्हें एकदम से बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई कोई भोजन लेकर नहीं आया, कि उनकी वृत्ति जो है वो छोटे बच्चे की तरह है। इसीलिए बूढ़ी काकी क्या सोच रही है कि इतना समय बीत चुका है फिर भी अभी तक कोई खाना लेकर आया नहीं है। मालूम होता है कि सब लोग भोजन कर चुके हैं कि उन्होंने वहीं बैठे बैठे सोच लिया कि शायद ऐसा पता चल रहा है कि सबका खाना हो चुका है। यह सोचकर उन्हें रोना आया, यह सोचते सोचते उसकी आंखों में पानी आ गया, परंतु अपशुकन के डर से वे न रो सकी कि उन्हें पता था कि रोने पर घर में जो उत्सव है उसमें अपशुकन हो सकता है, इसीलिए उन्होंने अपना रोना रोक लिया। आगे बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी कि बूढ़ी काकी उसी कोठरी में बैठे बैठे इमेजिन कर रही है, कल्पना कर रही है कि पूड़ियाँ कैसी होंगी, तो खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी। पूड़ियों की तस्वीर उनके सामने कैसी आ रही हैं, तो खूब लाल लाल है, फूली फूली है, नरम नरम है। आगे कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही है। जो कचौड़ियाँ बन रही हैं उन कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की सुगंध आ रही है।
एक पूड़ी मिली तो जरा हाथ लेकर देखती। बूढ़ी काकी कहती है कि शायद मुझे एक पूड़ी भी मिल जाए तो मैं थोड़ा चखकर देख लूँ, क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। क्या सोचने लगी कि क्यों नहीं मैं ही कड़ाह के पास बैठ जाऊं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी, कि वो कमज़ोर थी, चल नहीं पाती थी, इसीलिए उकड़ू बैठ गई। दोनों हाथों के बल से वो सरकती सरकती वो उस कड़ाह के पास जा बैठी, धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने के सम्मुख बैठने में होता है, कि यहाँ कड़ाह के पास आने पर उन्हें बहुत संतोष अनुभव हुआ कि चलो अब मैं कड़ाह के पास आ गई हूँ, अब मुझे खाना मिलेगा। जैसे भूखा कुत्ता जो है वो कोई खाते हुए व्यक्ति के सामने बैठकर अपना मुंह जो है वो ताकता रहता है, उसी प्रकार वो बूढ़ी काकी जो है वो कड़ाह के पास बैठकर कड़ाह को देख रही थी कि शायद कोई मुझे वहाँ बैठे खाना दे दे, लेकिन बूढ़ी काकी को वहाँ खाना नहीं मिल रहा है। तो बच्चों आज हम यहाँ पर देखा कि बूढ़ी काकी जो है वो बूढ़ी काकी अपने बुढ़ापे की अवस्था में है और बुढ़ापे की अवस्था की वजह से वो कमज़ोर हो चुकी है, वो अपने हाथ पैर से चल नहीं पाती हैं और उनकी जो वृत्ति है वो छोटे बच्चों की तरह हो गई है और वो कुछ भी उन्हें ना प्राप्त हो तो वो छोटे बच्चे की तरह रोने लगती है। और घर के सदस्यों को पता है कि जब बूढ़ी काकी रोती हैं तो उन्हें भूख लगी होती है, इसीलिए घर के बच्चे उन्हें परेशान करते हैं, फिर भी घर के व्यक्ति जो हैं वो उन्हें ध्यान नहीं देते, उन्हें तो ऐसा ही लगता है कि शायद बूढ़ी काकी को भूख लगी होगी। और फिर बुद्धिराम के बेटे का जब घर पे उत्सव होता है तब घर पे मज़ेदार खाना बनाया जाता है, मज़ेदार मसालेदार जो सब्जियां हैं वो पक रही होती हैं और उसकी सुगंध चारों ओर फैली हुई है, पर बूढ़ी काकी अपने ही कोठरी में बैठे बैठे सोच रही है कि आज अच्छी सुगंध आ रही है। और फिर बहुत समय बीत जाने पर उन्हें पता चलता, वो सोचने लगती हैं कि शायद सबका खाना हो चुका है और अभी तक मुझे किसी ने खाना नहीं दिया, इसीलिए वो कड़ाह के पास जाकर हाथों के बल वहाँ रेंगते रेंगते कड़ाह के पास आकर बैठ जाती है। और फिर कड़ाह के सामने वो भूखे कुत्ते की तरह खाने वाले के सम्मुख देख रही हैं। ओके बच्चों, समझ में आया। अब आगे का जो पार्ट है, आगे का जो लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अब इतना जो लेसन हमने पढ़ा उसके जो प्रश्न हैं वो हमें नोटबुक में लिखने हैं। तो एक एक वाक्य में प्रश्न हैं वो आपको लिखने हैं। प्रश्न एक, बूढ़ी काकी कैसे रोती थी। तो बूढ़ी काकी जो हमने पहले पैराग्राफ में देखा है कि बूढ़ी काकी जो हैं वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। सेकंड प्रश्न, बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पुड़िया बन रही थी। तो बुद्धिराम के घर उनके बेटे मुखराम के तिलक के उत्सव में पुड़िया बन रही थी। बुद्धिराम के घर उनके बेटे मुखराम के तिलक के उत्सव में पुड़िया बन रही थी। तीसरा प्रश्न, बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई।
तो बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। चौथा प्रश्न, उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किससे डर से नहीं रो रही थी? तो उसका जवाब आएगा कि उत्सव के दिन बूढ़ी काकी अपशुकन के डर से नहीं रो रही थी। आगे सेकंड क्वेश्चन, दो तीन वाक्य में उत्तर लिखिए। उसका पहला प्रश्न, बूढ़ी काकी कब रोती थी? तो बूढ़ी काकी, हमने पहले ही पैराग्राफ में देखा है कि बूढ़ी काकी के जीभ की स्वाद जो है वो उनकी ही चेष्टा से नहीं थी, मतलब बूढ़ी काकी के जीभ के स्वाद के सिवा उसके पास दूसरा कुछ बाकी नहीं बचा था। जब उनके घर वाले उनकी इच्छा के विपरीत कोई काम करते थे या उनके भोजन का समय टल जाता था या फिर भोजन की मात्रा कम होती थी और कोई बाजार से कोई चीज़ लाए और उन्हें न दे तो वे रोती थी। सेकेंड, लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे? तो जो हमने तीसरे पैराग्राफ में देखा है कि लड़के जब बूढ़ी काकी को सताते थे तो उन्हें चुटकी काट कर कोई भाग जाता था तो कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता था। इस तरह लड़के बूढ़ी काकी को सताया करते थे कि बच्चों, लड़के जो हैं वो बूढ़ी काकी को चुटकी काट कर भाग जाते थे तो कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता था, इसी प्रकार बूढ़ी काकी को सताते थे। आगे, बूढ़ी काकी की कल्पना में बूढ़ियों की तस्वीर कैसी नाचने लगी? कि बूढ़ी काकी के सामने बूढ़ियों की तस्वीर किस तरह नाच रही थी? तो वो लास्ट पैराग्राफ ने हमें देखा है कि बूढ़ी काकी को पूड़ियाँ और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी। उनकी कल्पना में लाल लाल फुली फुली नरम नरम पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी थी। आगे, बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? तो हमने वो सेकंड पैराग्राफ में देखा कि बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के परिवार में उनका भतीजे के अलावा दूसरा कोई नहीं था, इसीलिए बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी को खूब लंबे चौड़े वादे किए और उन्हें तरह तरह के सब्ज बाग दिखाए और फिर बूढ़ी काकी उसकी झांसे में आ गई। इस तरह बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी से संपत्ति हथिया ली। किस तरह हथिया ली? तो बुद्धिराम ने उन्हें खूब लंबे चौड़े वादे किए, तरह तरह के सब्ज बाग दिखाए और फिर बूढ़ी काकी उसके झांसे में आ गई। इस तरह बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति हथिया ली। आगे, ये जो है वो चार पांच वाक्य का प्रश्न है। प्रश्न एक, खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे मसूम्बे बंधे थे? तो बूढ़ी काकी जो खाने के बारे में सोच रही थी तो उनके सामने पूड़ियों की लाल लाल फुली फुली नरम नरम कचौड़ियाँ पूरी दिखाई दे रही थी और पूरी जो कचौड़ियाँ जो है उनमें अजवाइन और इलायची की सुगंध आ रही थी और ऐसे बैठे बैठे वो कोठरी में बैठे बैठे वो सोच रही थी कि शायद ये जो मज़ेदार खाना है वो मुझे मिल जाए, लेकिन उन्हें मिलता नहीं है, इसीलिए वो बैठे बैठे वो सोच रही होती है कि खाना तो ऐसा ही होगा, कचौड़ियाँ और अजवाइन इलायची की सुगंध आ रही हैं तो वो कितनी मज़ेदार मालूम होंगी, वो तो मैं खाऊंगी ही, ऐसे बैठे बैठे वो सोच रही हैं। तो बच्चों, ये जो प्रश्न हैं वो सारे आपके नोटबुक में लिखने हैं, जब हम मिलेंगे तब मैं आपकी नोटबुक देखूंगी। थैंक यू।